हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एंथनी सर और मैं एक टीचर हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और ये लॉकडाउन के टाइम पे जो कुछ भी दिक्कत टीचर्स लोगों को आ रही है वो मुझे भी आ रही है, पर उसमें भी मैंने एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढ के निकाला है और मैं चाहता हूँ कि ये सभी टीचर्स को बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हम लोग इन दिनों में ज़्यादातर वीडियोज़ बना रहे हैं या तो जूम के ऊपर क्लास ले रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ तरीके से बच्चों को एंगेज रखना चाहते हैं और बच्चे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वेरी गुड। पर एक तरीका बहुत ही इफ़ेक्टिव हुआ है और वो है ऑनलाइन टेस्ट लेने का। ठीक है, जब भी बच्चे ऑनलाइन टेस्ट या तो एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो वो लोग ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं और उनका रिस्पॉन्ड ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी टीचर्स है, प्लीज़ आप ऑनलाइन टेस्ट लेने का चालू करिए। और आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम ऑनलाइन टेस्ट कैसे ले सकते हैं। गूगल फॉर्म आपने सुना ही होगा कि गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करके हम लोग ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। तो आइए मैं आज आपको गूगल फॉर्म्स का ट्यूटोरियल दिखाता हूं कि हम लोग कैसे गूगल फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके ब्राउज़र में जाना है और ब्राउज़र में आप google.com ओपन करिए, तो ये आपका फ्रंट पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको क्लिक करके लिखना है गूगल फॉर्म्स। ठीक है, गूगल फॉर्म्स आप लिखते हो तो गूगल फॉर्म में बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन सर्वे भी कर सकते हो, MCQ एग्ज़ाम भी ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ओके, यानी बहुत सारे हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि गूगल हमको यही डेटा एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल में हम लोगों को देता है। तो जैसे ही आपने ये ओपन किया है, देखो बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पर आ गई है, पर इन सारी वेबसाइट्स में आपको जाना नहीं है, ये ऑप्शंस वगैरह दिया है। पहला ही हमको जो ऑप्शन मिला है वो ये है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ गूगल फॉर्म का फर्स्ट पेज जो होम पेज है वो खुल जाएगा। और वहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो गो टू गूगल फॉर्म जो कि फ्री रहता है और दूसरा है जी सूट जो कि बिजनेस क्लास के लिए होता है, जो थोड़ा उसके लिए चार्जेस रहता है, पर हम लोग फ्री वाले जाएंगे। तो गो टू गूगल फॉर्म्स उसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो वहाँ पर एक ऑलरेडी गूगल फॉर्म जिसका एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले ये जब पेज आता है तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी गूगल से लॉग इन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा नाम है साइन बाय इंग्लिश ग्रामर बाय एंथनी सर, ये मेरा ईमेल एड्रेस है जो कि मेरा गूगल का ईमेल एड्रेस जिससे मैंने लॉग इन किया। ओके, यहाँ पर पहला ही पेज है अनटाइटल फॉर्म, तो मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा और वहाँ पर मुझे लिखने का मौका मिल जाएगा और मैं वहाँ पर लिखूँगा इंग्लिश वीकली टेस्ट। तो ये हो गया मेरा टेस्ट का नाम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग अनटाइटल फॉर्म में आ जाएंगे, ये इंग्लिश वीकली टेस्ट आ गए। और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में अगर मेरा कुछ क्लासेस है या तो फिर मेरा स्कूल है तो उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो क्लासेस है, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है, उसके ऊपर मैं लिखता हूँ ग्रेस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, तो मैंने नाम लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद अभी क्या आएगा, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ अरेंज ही होता है, सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है अनटाइटल क्वेश्चन, तो तुम वहाँ पर जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि तुम्हें क्वेश्चन कौन से टाइप का चाहिए, तो तुम सबसे पहले तो क्वेश्चन टाइप करो। तो मुझे पहला लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आर्टिकल का एक क्वेश्चन लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ इन डैश रूम। तो डैश के लिए मैं क्या करूँगा, अंडरस्कोर लेकर डैश 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 रूम, ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया। अभी मुझे उसके अंदर हमको क्या चाहिए, क्या मुझे मल्टीपल चॉइस चाहिए, यस नो आंसर वाला चाहिए, या तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस है कि मुझे शॉर्ट आंसर चाहिए, कि पैराग्राफ आंसर चाहिए, कि चेकबॉक्स चाहिए, कि ड्रॉप डाउन चाहिए, तो उनमें से कोई भी एक ऑप्शन तुम चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे MCQs लेना है इसलिए मैं चेकबॉक्स लूँगा। और उसके बाद पहला जो चेकबॉक्स है वो मैं क्या लिखूँगा, चेकबॉक्स है तो मुझे चेकबॉक्स के अंदर पहला लिखना है नंबर 1 ए, आर्टिकल ए। ओके,
फिर उसके बाद दूसरा मैं चेक बॉक्स लूँगा, उसमें मैं लिखूँगा एन। तीसरा मैं लिखूँगा द, और चौथा जो है वह मैं लिखूँगा नन। ओके, तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन रेडी। अभी मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड में यहाँ पर ऑप्शन में कर लेता हूँ कि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, यानी तुम्हें टिक करना ही है। अगर तुम टिक नहीं करोगे तो सबमिट नहीं कर पाओ। अगर ऐसा कुछ करना है तो तुम्हें रिक्वायर्ड के ऊपर ओके करना है, यानी ऑन कर देना है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, पहला वाला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर मैंने चार ऑप्शन आ गए, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो ये हो गया पहला मेरा क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद हम ये अदर नहीं, हम लोगों को ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये मेरे चार ऑप्शन हो गए, गुड। अभी मैं वापस आ जाऊंगा और मेरा हो गया ये पहला क्वेश्चन रेडी। अभी हम लोग नीचे यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, वो है पहला वाला जो है ऐड क्वेश्चन। ओके, तो मैं ऐड क्वेश्चन में फिर से एक बार यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन जो मुझे ऐड करना है। ओके, फिर मैं क्या करूँगा, प्रीपोजिशन का एक फिल इन द ब्लैंक्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द काउ, फिर उसके बाद अंडरस्कोर द गार्डन, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, उसमें भी मुझे क्या चाहिए, मल्टीपल चॉइस चाहिए, वापस मैं सिलेक्ट करूंगा। मुझे शॉर्ट आंसर चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, मल्टीपल, तो मुझे यहाँ पर चेक बॉक्स ही चाहिए क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू से। तो मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक किया, ऑप्शन वन है जहाँ पर मैं लिखूंगा एट, ठीक है। ऑप्शन जो सेकंड है वहाँ पर मैं लिखूंगा इन, ऑप्शन थ्री है ऑन, और लास्ट में लिखूंगा ऑफ। तो ये चार में से कोई भी एक ऑप्शन तुम्हें सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड के अंदर यहाँ पर ओके दे दिया है, ठीक है। तो ये मेरे दो क्वेश्चन का एक पेपर मैंने तैयार कर दिया है, और यहाँ पर अभी मुझे ये जो पेपर है उसके अंदर भी और कुछ भी बहुत मुझे चीज़ें ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है, हमें उसका थीम सिलेक्ट करना है, तो कोई भी एक थीम सिलेक्ट कर सकते हो, और तुम थीम का कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो तुम सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस ये जो हेडर होता है वहाँ पर तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इमेज तुम वहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद तुम अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारे जो तुम्हें जैसे भी एडिट करना है तुम वैसे एडिट कर सकते हो। मेन हमारे लिए क्या है, वो है ये क्वेश्चन। और उसके बाद ये क्वेश्चन तैयार हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये कैसा दिखता है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और प्रीव्यू देखेंगे। जब मैंने प्रीव्यू सिलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया गया, क्योंकि मैंने हेडर वगैरह नहीं सिलेक्ट किया है, तो इंग्लिश वीकली टेस्ट ये हमारा हो गया, और उसके बाद सबमिट ऑप्शन यहाँ पर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये होता है कि ये हमने बना तो दिया, पर अभी हम लोग बच्चों को भेजेंगे कैसे। तो मैं वापस वहाँ पर आ गया जहाँ पर मैं पेज बना रहा था, और फिर मैंने यहाँ पर ये एरो जो है वो सेंड ऑप्शन है, वहाँ पर मैंने क्लिक किया। तो ये भेजने के तरीके दो है। नंबर वन, या तो तुम ईमेल के थ्रू भेजो अगर तुम्हारे पास ईमेल आईडी है तो। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, ज़्यादातर मोबाइल नंबर या तो व्हाट्सएप नंबर रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है लिंक, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और ये हो गया हमारा लिंक जो कि बहुत लंबा है। अगर तुम्हें उसको शॉर्ट करना है तो तुम लिखो शॉर्ट एन URL, तो तुम्हारे पास ये शॉर्ट URL बन गया है जिसको तुम्हें कॉपी कर लेना है। अभी तुमने ये कॉपी कर लिया, इसलिए ये जो फॉर्म है उसका ये URL जिसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म में जा सकते हो, वो तुम कोई भी व्हाट्सएप मैसेज में या तो नॉर्मल मैसेज में टाइप करके तुम लिख सकते हो, और ये कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। इसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट कीजिएगा, और उसके बाद वो बच्चे को भेज दो, ताकि वो बच्चा उसके ऊपर क्लिक करके वो एग्ज़ाम अटेंड करे, उसके मार्क्स आएंगे। और आपको कैसे पता चलेगा, जब बच्चे ने वो फॉर्म सबमिट किया है तो तुम्हारे पास यहाँ यही पेज के ऊपर ये क्वेश्चन का ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पर तुम्हारे पास रिस्पॉन्सेस आएंगे, अगर किसी ने रिस्पॉन्स किया है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे रिस्पॉन्स आएंगे। और वही डेटा तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चाहिए तो तुम यहाँ पर क्रिएट स्प्रेडशीट इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, तो तुम्हें वही डेटा तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। प्लीज़ आप ये करिएगा, बहुत सारे बच्चों को आप एंगेज कर सकते हो, प्लस वो लोग एक्टिव भी रहेंगे, वो लोग तुम्हारे वीडियो देखेंगे, बार बार देखेंगे, क्योंकि उनको टेस्ट करना है। ओके, टेस्ट करने के लिए, टेस्ट लिखने के लिए हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 बार आप टेस्ट भी रखते हो तो भी आपके बच्चे बहुत ही अटेंटिव
रहेंगे, घर पे रहकर भी वो लोग पढ़ाई करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन सर्वे हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज भेजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत हेल्प हुई है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही कोई वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो तो मैं आपको वीडियो करके हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।